ब्यास नदी है वो आजकल वर्षा के कारण और पीछे जो हुई गर्मी पड़ी है हिमाचल राज्य में, उच्च क्षेत्रों में बर्फ़ पिघली है जिस कारण बहुत पानी ब्यास नदी में आया है, और आजकल वर्षा चल रही है जिस कारण और पानी ब्यास नदी में आ रहा है, पानी के स्तर ऊपर जा रहे हैं। अगर ये ना भी हो तो पानी का स्तर जो जो ब्यास नदी में देखा जाता है वो ऐसा नहीं है कि आपको देख के पता चल जाता है कि कितना गहरा है। कोई जो उस इलाके में रहते होते हैं लोग, उन सबको पता होता है कि वहाँ पे किस स्पॉट में कितना गहरा पानी है। हाल ही में हादसे भी देखने आए में आए हैं जहाँ पे टूरिस्ट कोई जो यहाँ घूमने आए वो वहाँ पे गाड़ी रोक के नदी के किनारे वे पानी के नज़दीक गए, किसी प्रकार वे पानी में गिरे और पानी के बहाव के कारण फिर वे डूब गए और मृत्यु भी हुई। ये पहले भी हादसे हुए हैं। समय समय पे हमने वार्निंग्स इशू की हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से बार बार हम इत्तला करते हैं कि नदी के पास ना जाएं। ब्यास कोई छोटा नाला या खड्ड नहीं है, कोई छोटी स्ट्रीम नहीं है, ये एक मेजर नदी है। साथ में अब बारिशें बढ़ भी रही हैं। मेरा सभी पर्यटकों से अनुरोध है, जो भी बाहर से कोई व्यक्ति आते हैं और हमारे भी नागरिक जो मंडी ज़िले में रहते हैं ब्यास के आसपास, कि अनावश्यक नदी के पास ना जाएं, क्योंकि मौज मस्ती में वो हादसे का रूप ले लेता है। जब उस समय कोई जब हादसा होता है, मंडी प्रशासन सारे विभागों की, संबंधित विभागों की टीम रेड अलर्ट पे रहती है, वे एकदम रिस्पॉन्ड करते हैं सारे, और वहाँ के नागरिक जो मौके के स्थान पे होते हैं वे भी तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं सहायता के लिए। परंतु कई चीज़ें आम जन के हाथ में नहीं होती हैं, कई में समय बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, जिसमें ज़रा भी देरी से वो फिर दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति पैदा हो जाती है। मेरा आप सबसे पुनः अनुरोध है कि इस समय में, बारिशों के समय में, एक तो आप वेदर अलर्ट डीसी मंडी के फेसबुक पेज पे ज़रूर देखें। सचेत मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें सारे वेदर अलर्ट्स आते हैं, इसको मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड करके चलें। हमारा DDMA का फेसबुक पेज देखें, जो जहाँ पे प्रेस के प्रतिनिधि हैं उनके जो अलर्ट्स उनके द्वारा जारी किए जाते हैं वो देख के ट्रैवल करें। और लोकल भी जो हमारी जनता है उनसे भी अनुरोध है कि जो ऑरेंज अलर्ट एंड अबव अगर आता है बारिशों के संबंध में, तो आप कृपया अनावश्यक जर्नी सफ़र ना करें। यह आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। जब ऐसे कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है उसके बाद तो रिस्पॉन्ड हम करेंगे ही, हम रिस्पॉन्ड करते भी हैं।